वैधानिक शब्द आ गए उसके जो समझ आ गया ना, तो ये उसके स्तर पर उस बालक को उस पाठ की योजना में क्या आया क्या और बोध में कहे हैं। तो बोध में देखिए ये द्वितीय चरण में छात्र विषय के मूल सिद्धांत या तत्व को समझने का प्रयास करता है। जब वो पा जाता है तंत्र का कि हमको एक खोजना है विषय और उसके बाद तब उसको बोध में अपने लड़का सीखने के लिए उत्प्रेरित होगा, तब उसका मन लगेगा। और लिखता है इसमें कि द्वितीय चरण में जब बोध पर आएंगे बोध में तो विषय वस्तु के मूल सिद्धांत या तत्व को समझने का प्रयास करता है। मनन पुनरावृत्ति प्रश्नोत्तर कक्षा में स्वयं उसका पुनः अभ्यास करके अथवा प्रयोग करके बोध प्राप्त करता है। जब उसके में यह रहेगा तब वो शांति बैठ करके सोचेगा। अध्यापक भी प्रश्न पूछकर अथवा निरीक्षण के द्वारा जानने का प्रयास करता है। इसमें भी बोध में भी वह अध्यापक प्रश्न करेगा। छात्रों के पाठ वस्तु के मूल तत्व को ग्रहण किया अथवा नहीं आवश्यकता से उसकी सहायता करते हैं आप, नहीं किया तो फिर इसको अर्थ और में ले जाकर बताते हैं और समझाते हैं कि वो किया या नहीं तो जाते नहीं देना, फिर उसे अर्थ करना उसको समझाना बता या आचार्य कथन होगा। यह क्या होगा? आचार्य कथन फिर शिशु छात्र कथन ये चलता उसी में जाएगा। बोध कथन ही समझा दे।